हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे को है ना आपसे एक चीज़ जाननी थी कि मेरा एग्ज़ाम है ना SSB का और CISF का दोनों आ रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को SSB का देना चाहिए या CISF का देना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम मेरे आसपास है। SSB का एग्ज़ाम मेरा है ना शायद 28 डेट को है और CISF का एग्ज़ाम मेरा 30 तारीख को है। एक का फिजिकल और एक का एग्ज़ाम है, तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। आप मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर दो या हिंट दे दो कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं इतनी कंफ्यूज भरी लाइफ में पड़ी हूँ कि हाँ दीदी आप दे आओ नहीं दे आओ। ये तो इतने आसपास है ना और लखनऊ है, और मेरा भाई है ना बिहार गया है एग्ज़ाम देने के लिए और मेरे साथ कोई भी नहीं है जाने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जा सकती हूँ या वहाँ सब कुछ हैंडल कर लूँगी अकेले, तो वो भी मेरे को बताओ यार। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ मतलब यार प्लीज़ मेरे को क्लियर कर दो कि दीदी आप ऐसे ऐसे चले जाना जो लखनऊ से है या फिर कहीं पास से भी है और जो SSB का एग्ज़ाम दे के जा चुका है, तो वो ये भी बता दो कि दीदी आप ऐसे ऐसे चले जाओ, आप ऐसे क्लियर कर पाओगी या नहीं है आसान, या फिर मैं क्या करूँ या मैं वहाँ रुकूँ। मतलब जैसे कि मेरा 28 तारीख का एग्ज़ाम है, फिर CISF का आएगा 30 तारीख को, क्या या मैं वहाँ रुक के आऊँ या फिर घर आऊँ, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ और मेरा आना जाना सही रहेगा। यार प्लीज़ बता दो, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने SSB के फिजिकल की है ना सब कुछ कर भी लिया है, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं आता। SSB का फिजिकल मेरा 800 मीटर रेस है ना, तो मेरे को बता दो यार क्या करना चाहिए। यही हो जाता है लड़कियों की दिक्कत ना, अगर वो डेली का आना जाना हो जाए ना, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता यार। प्लीज बताना जरूर मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है यार, बाय बाय।